हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो स्टमक कंप्लेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बिस्मिथ। आज के वीडियो में हम बिस्मिथ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बिस्मिथ का कॉमन नेम है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मिथ। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। बिस्मिथ के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि दूसरे मेटल्स हैं, बिस्मिथ भी एक एक्सीलेंट रेमेडी है स्टमक कंप्लेंट्स के लिए। क्लिनिकल कंडीशंस, ऐसे क्लिनिकल केसेस जहाँ पे हम बिस्मिथ को क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले एब्डोमिनल ऑपरेशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वोमिटिंग, कॉलेरा, कफ, डेलीरियम, डायरिया, गैंग्रीन, हेडेक जैसे कंडीशंस में हम बिस्मिथ को क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। स्पीयर ऑफ एक्शन, बिस्मिथ का हमारे बॉडी में कहाँ पे एक्शन होता है, तो बिस्मिथ प्रिडोमिनेंटली GIT ट्रैक पे एक्ट करता है, माइंड एंड नर्वस सिस्टम पे इसका एक्शन है। पैथोजेनेसिस, बिस्मिथ जैसे कि स्टमक एंड स्टमक रीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो जब ये स्टमक और स्टमक रीजन पे एक्ट करता है तो ये प्योर गैस्ट्रलजिया कॉज करता है, बट नॉट एसोसिएटेड विद कैटेरा। जैसे कि नक्स वोमिका में कैटेरा के साथ गैस्ट्रलजिया होता है, बट बिस्मिथ में प्योर गैस्ट्रलजिया प्रेजेंट होगा। पेशेंट जैसे ही पानी पीता है वो वाटर वोमिटिंग के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, बाहर एक्सपेल कर देता है वाटर वोमिटिंग के थ्रू, बट फूड जो सॉलिड फूड्स हैं इट इज़ रिटेन अ लिटिल लॉन्गर इन द स्टमक। कंस्टिट्यूशन, बिस्मिथ के कंस्टिट्यूशन की बात करें तो बिस्मिथ जैसे कि ये एक्यूट ड्रग है तो कंसिडरेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। माइजम में सोरा एंड सिफिलिस इज इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम गाइडिंग इंडिकेशंस की बात करेंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो बिस्मिथ के पेक्यूलर सिम्टम्स हैं। बिस्मिथ के जो पेशेंट्स हैं ये कैनॉट बियर सॉलिट्यूड, दैट इज़ अकेले रहना पसंद नहीं करते, इन्हें हमेशा कंपनी चाहिए होती है, कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। ही हैज़ मच एंग्यूश दैट इज मेंटल एंड इमोशनल पेन, देयरफॉर मूव अबाउट फ्रिक्वेंटली, ही सिट, वॉक, लाइज, नेवर लॉन्ग इन अ वन प्लेस। बिस्मिथ पेशेंट में एंग्यूश प्रेजेंट है इसलिए ये फ्रिक्वेंटली मूव करते रहते हैं, एक जगह पे ये बैठते नहीं है, कंटिन्यूस मूव करते हैं, ये बैठेंगे, वॉक करेंगे, लेटेंगे, बट एक जगह पे नहीं होते हैं ये। जो भी पानी ये पीते हैं ये वोमिटिंग के थ्रू बाहर एक्सपेल हो जाता है। सॉलिड फूड्स तो थोड़े दिनों तक रहेंगे स्टमक में, बट वाटर ये स्टमक में टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग्स प्रेजेंट होती है स्पेशली लिक्विड की, पर्टिकुलरली लैप्रोक्टोमी के बाद, विथ ग्रेट एंग्यूश ऑफ माइंड एंड रेस्टलेसनेस इज प्रेजेंट। पेन होगा स्टमक में, बट जब बेंड बैकवर्ड, जब ये पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है, एंड इरक्टेशन से इन्हें रिलीफ मिलता है। इरक्टेशन दैट इज स्टमक में जो गैस प्रेजेंट है ये माउथ के थ्रू बाहर एक्सपेल होना, दैट इज इरक्टेशन। हेडेक अल्टरनेट होगा गैस्ट्रलजिया के साथ, वर्स होगा खाने के बाद, और बेटर होगा कोल्ड बाथिंग एंड कोल्ड ड्रिंक्स से। मोशन रिलीफ करते हैं बहुत सारे सिम्टम्स को, बट एक्सेप्ट हेडेक मोशन से रिलीफ नहीं होता है बिस्मिथ पेशेंट में। नेक्स्ट हम माइंड कंप्लेंट्स की बात करेंगे, पेक्यूलर मेंटल सिम्टम्स जो बिस्मिथ के हैं, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम ये है कि बिस्मिथ के पेशेंट सॉलिट्यूड इन्हें नहीं पसंद होता है, दैट इज़ अकेले रहना ये पसंद नहीं करते, इन्हें हमेशा कंपनी चाहिए होती है, आसपास कोई ना कोई चाहिए होता है। दिस इज़ पर्टिकुलरली नोटिस्ड इन चिल्ड्रेन हु होल्ड मदर्स हैंड, जो छोटे बच्चे जो बिस्मिथ के जो छोटे बेबीज होते हैं ये हमेशा मम्मी का हाथ पकड़ के चलेंगे कंपनी के लिए। अनदर कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम इज ग्रेट एंग्यूश, दैट इज मेंटल एंड इमोशनल पेन इज प्रेजेंट, रेस्टलेसनेस इज प्रेजेंट इन बिस्मिथ पेशेंट। ही सिट, वॉक एंड देन लाई, नेवर रिमेन फॉर लॉन्ग इन अ वन प्लेस, ये बैठेंगे, वॉक करेंगे, लेटेंगे, बट ये एक जगह पे प्रेजेंट नहीं रहते, कंटिन्यूस मूव करते हैं। मेंटल अपैथी विथ इनसेंसिटिविटी इज फाउंड इन बिस्मिथ पेशेंट, लैक ऑफ इमोशन इज फाउंड इन बिस्मिथ पेशेंट, इमोशंस इनमें ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट हम आइलमेंट्स की बात करें तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे बिस्मिथ के कंप्लेंट्स वर्स होंगे, दैट इज सिफिलिस के कंडीशन में, हीट एंड समर कंप्लेंट्स में वर्स होंगे, एब्डोमिनल ऑपरेशंस के टाइम वर्स होंगे। पर्टिकुलर सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जहाँ पे हम बिस्मिथ को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो वोमिटिंग के कंप्लेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, अगर वाटर स्टमक में नहीं रुक रहा है, डायरेक्टली वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ रहा है, तो वी कैन यूज़ बिस्मिथ।
स्टमक की कंप्लेंट्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, स्टूल्स के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, कॉलेरा के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, अगर सिम्टम गाइडिंग इंडिकेशंस के साथ मैच कर रहे हैं, इफ देयर इज सिम्टम सिमिलैरिटीज देन वी कैन यूज इन दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट्स। नेक्स्ट हम जनरल मोडालिटीज की बात करें तो सिम्टम्स कब वर्स होंगे, तो बाय हीट एंड समर वेदर में सिम्टम्स वर्स होंगे। एमेलियोरेशन दैट इज सिम्टम कब बेटर फील होगा पेशेंट को, तो ये कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड बाथिंग से, ओपन एयर मोशन रिलीव करते हैं बहुत सारे सिम्टम्स को बट एक्सेप्ट हेडेक। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिस्मिथ ड्रग पिक्चर, हमने बिस्मिथ को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।